एवरीवन नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी। कैसे बनाई जाती है आज मैं उसकी आपको विधि बताऊंगी। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं मेरे टमाटर, ये है टमाटर और हरी मिर्च और शिमला मिर्च। मैंने ये दोनों चीज़ें पहले से काट ली थी और पनीर भी मैंने काट लिया था। और तेल गरम हो चुका है और पनीर मैंने इसमें डाल दिया है। और आप देख सकते हैं पनीर अभी मैं से कम 5-6 मिनट तक इसे चलाऊंगी, जब तक कि ये थोड़ा सा रेडिश ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं एक दो लाल हो चुके हैं। इससे क्या होगा, पनीर आपके टूटेंगे नहीं और थिक बनेंगे, अच्छे बनेंगे। तो आप ये विधि ज़रूर अपनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और टेस्टी बनेगा। तो मैंने, आप देख सकते हैं तेल में पूरा ये अच्छे से बिल्कुल टाइट हो चुके हैं ये पनीर, और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी मैं सारे पनीर को एक थाली में निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे को हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैंने प्याज नहीं काटा है, ओनली टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च काटी है। और इधर आप देख सकते हैं हमारे पनीर अच्छे से तल चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाएंगे। तो इधर टमाटर है, इधर शिमला मिर्च है और प्याज मैंने नहीं काटा है क्योंकि ट्यूसडे को हम लोग प्याज नहीं खाते हैं। तो फाइनली हमारा तीनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सकते हैं पापा जी बना रहे हैं हमारे, और इधर तेल गरम हो चुका है और पापा जी ने इसमें जीरा डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जीरा, हल्की सी हल्दी डाली है उन्होंने, और ये हरी मिर्च तेल में ही आपको डालना है। और यहाँ जो मैंने पहले से टमाटर काटे थे वो टमाटर डाल दिए हैं सारे, और अभी इसे मैं पकाऊंगी जब तक ये टमाटर गल ना जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर डालूंगी, आप देख सकते हैं धनिया पाउडर डाला भी मैंने, और थोड़ा सा हल्दी, और स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डालूंगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें टमाटर और शिमला मिर्च पनीर बनाए बिना प्याज के, बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। तो अभी नमक मैंने इसलिए पहले से डाला है क्योंकि ये जल्दी गल जाएगा। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और इसमें मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप, शिमला मिर्च भी है। अभी शिमला मिर्च अच्छे से पकी नहीं है, अभी इसे भी मुझे पकाना है। और फाइनली हमारा पनीर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। कैसी लगी आपको हमारी पनीर की सब्ज़ी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टाटा।